व्यूवर्स उम्मीद करती हूँ आप सब खैर वाफियत से होंगे आज मैं आपके लिए बहुत ही मज़ेदार पुलाव की रेसिपी लेके आई हूँ आज हम बनाने जा रहे हैं चिकन देगी पुलाव तो चलें जी बनाना स्टार्ट करते हैं पुलाव बनाने के लिए सबसे पहले मैंने एक अदद फ्राई पैन लिया है और उसमें मैं घी एड कर रही हूँ क्योंकि इस घी में मैं फ्राई करने वाली हूँ चिकन तो जहाँ पर आप देख सकते हैं मैंने एक किलो चिकन लिया है इसको मैंने अच्छे से वॉश कर लिया है और उसके बाद इस तरीके से मैं फ्राई पैन में चिकन को ऐड करूँगी फ्लेम मीडियम टू लो रखेंगे और चिकन को तब तक फ्राई करेंगे जब तक कि इसका कलर चेंज ना हो जाए यानी हल्का सा गोल्डन कलर आना चाहिए चिकन का इससे पुलाव बहुत टेस्टी बनेगा तो चिकन फ्राई होते के साथ ही यहाँ पर दूसरे चूल्हे पर मैंने एक अदित कढ़ाई रखी है और यहाँ पर मैं ऐड रही हूँ वन फोर्थ कप घी आप कुकिंग ऑयल भी इस्तेमाल कर सकते हैं जो भी आपके पास अवेलेबल हो घी ऐड करने के बाद यहाँ पर मैंने ऐड किया है प्याज प्याज़ मैंने दो मीडियम साइज़ के प्याज लेके उनको बारीक कटिंग कर लिया है तो प्याज़ को मैं तब तक घी में फ्राई करूँगी जब तक कि गोल्डन कलर ना आ जाए यहाँ आप देख सकते हैं प्याज का कलर कितना खूबसूरत चेंज हो चुका है यानी गोल्डन कलर आ चुका है तो अब मैं ये प्याज़ कढ़ाही से निकाल लूँगी प्याज मैंने इसलिए निकाली ली हैं क्योंकि हम बना रहे हैं देगी पुलाव कुछ डिफरेंट स्टाइल से तो अब यहाँ पर घी में मैं कुछ खड़े मसाले ऐड करूँगी जिसमें मैंने दो छोटी इलायची एक बड़ी इलायची दो सिनामन स्टिक्स और साथ मैंने काली मिर्च ली है साबित और दो मैंने लौंग लिए हैं इनको अच्छे से हम घी में तड़क लेंगे और फ्लेम यहाँ पर मैंने बिल्कुल लो रखी हुई है उसके बाद यहाँ पर मैं लहसुन अदरक का पेस्ट हरी मिर्च कूटी हुई और सबित हरी मिर्चें ऐड कर रही हूँ तो ये टू टेबल स्पून लहसन अदरक का पेस्ट है वन टेबल स्पून कूटी हुई हरी मिर्च है और तीन से चार जो है साबित हरी मिर्च है इसको मैं घी में दो से तीन मिनट के लिए अच्छे से इसको जो है भुनाई करूँगी ताकि लहसन और अदरक की स्मेल जो है ख़त्म हो जाए और बड़ी भुनी हुई खूबसूरत सी खुशबू आए तो अब फ्लेम कर दूँगी मैं बिल्कुल बंद और यहाँ पर मैं मसाले ऐड करूँगी वन टेबल स्पून मैंने लाल मिर्च ऐड की है यहाँ पर मैं डेढ़ चम्मच जो है नमक का ऐड कर रही हूँ उसके बाद इसमें वन टेबल स्पून खुश्क धनिया पाउडर जाएगा और उसके साथ इसमें हाफ़ टेबल स्पून चूरा मिर्च ऐड कर रही हूँ जो कि बहुत मज़े की लगती है बहुत टेस्टी लगती है उसके बाद यहाँ पर मैं ऐड कर रही हूँ थोड़ा सा पानी पानी ऐड करने के बाद यहाँ पर मैं फ़्लेम कर दूँगी ऑन और मसालों को अच्छे से बुनाई कर लूँगी बिल्कुल लो फ्लेम पर मसालों की भुनाई करने के बाद अब यहाँ पर मैं टमाटो प्यूरी ऐड कर रही हूँ जो कि मैंने चार से पाँच अदद टमाटर लेके उनको अच्छे से ग्राइंड कर लिया है टमाटो प्यूरी जब मसाले में अच्छे से पकना स्टार्ट हो जाए तो यहाँ पर मैं ऐड कर रही हूँ आलू तकरीबन दो अदद मैंने आलू लेके उनको अच्छे से वॉश करने के बाद छील लेने के बाद कटिंग कर लिया है सर्कुलर शेप में ये ऑप्शनल है अगर आप नहीं ऐड करना चाहते तो इट्स ओके उसके बाद यहाँ पर मैं फ्राई किया हुआ चिकन ऐड कर रही हूँ चिकन जैसे मैंने पहले भी आपको बताया कि मैंने इसको फ़्राई किया है तकरीबन 10 से 12 मिनट मैंने बिल्कुल लो फ्लेम पर चिकन को फ़्राई किया है क्योंकि फ्राई किए हुए चिकन का देगी पुलाव बहुत टेस्टी बनेगा अब हम पूरे मसाले को पकने के लिए रख देंगे तो यहाँ पर देखिए जी बहुत अच्छे से मसाला भुनाई हो चुका है चिकन भुन चुका है अब यहाँ पर मैं ऐड कर रही हूँ थ्री टेबल स्पून दही दही ऐड करने से भी इसका बहुत चटपटा सा और मज़ेदार टेस्ट आएगा दही ऐड करने के बाद अब मैं मज़ीद चिकन की और मसाले की दो से तीन मिनट भुनाई करूँगी साथ ही यहाँ पर मैं ऐड कर रही हूँ ब्राउन की हुई प्याज उसमें से आधी प्याज मैं अब ऐड कर रही हूँ आधी प्याज तब ऐड करूँगी जब मैं पुलाव को दम पर लगाऊँगी और यहाँ आप देख सकते हैं चावल मैंने आधा घंटा पहले जो है सोख करके रख दिए थे तो ये देसी बासमती राइस हैं इनको आधा घंटा पहले या घंटा पहले ज़रूर भिगोना चाहिए तभी चावल बहुत मसे के बनते हैं उसके बाद यहाँ आप देख सकते हैं मैंने बहुत अच्छे से जो है मसाले को चिकन को आलू को अच्छे से भुनाई कर लिया है और यहाँ आप देख सकते हैं मसाले ने घी भी बहुत अच्छे से जो है सेपरेट हो चुका है यानी मसाला बिल्कुल भुनकर तैयार है अब यहाँ पर मैं ऐड कर रही हूँ पानी मैं दो ग्लास चावल बना रही हूँ तो उसके अकॉर्डिंग मैं यहाँ पर चार गिलास पानी ऐड करूँगी अच्छे से मिक्स करने के बाद अब मैं इसको कवर कर दूँगी जब तक के पानी को अच्छे से बॉयल ना आ जाए जब तक के पानी को बॉईल आ रहा है मैंने यहाँ पर मज़ेदार सा रायता रेडी कर लिया है ये देखें जी बहुत ही टेस्टी रायता बनकर तैयार हो चुका है और इसमें भी मैंने खुश्क धनिया ऐड किया जो कि बहुत मज़े का लगता है उसके साथ यहाँ आप देखें जी पानी में अच्छे से बॉयल आ चुका है तो अब मैं यहाँ पर ऐड कर रही हूँ चावल चावल ऐड करने के बाद यहाँ पर मैं एक अदद नींबू का रस ऐड कर रही हूँ लीमू का रस जो है ये चावलों को जुड़ने नहीं देता चावल बिल्कुल खिले खिले से बनते हैं और यहाँ आप देख सकते हैं पानी अच्छे से ड्राई हो चुका है तो अब मैं चावलों को दम लगाऊंगी लेकिन दम लगाने से पहले यहाँ पर मैं वन टेबल स्पून ज़ीरा साबित ज़ीरा ऐड कर रही हूँ ज़ीरा ऐड करने के बाद यहाँ पर ब्राउन की हुई जो प्याज बची थी मैं वो ऐड कर रही हूँ इससे बहुत मज़े का टेस्ट आएगा तो अब यहाँ पर मैं पुलाव को दम लगा रही हूँ पाँच मिनट के लिए बिल्कुल लो फ्लेम पर और उसके बाद दस मिनट के लिए मैं फ़्लेम ऑफ करके दम लगाऊंगी और यहाँ देखें जी बहुत ही मज़ेदार और टेस्टी पुलाव बनकर रेडी हो चुका है इसकी लुक चेक करें कितने खिले खिले राइस बने हैं बहुत ही टेस्टी और खुशबू भी बहुत मज़े की आ रही है तो अब जी सर्व करते हैं तो यहाँ देखें जी बहुत ही मज़ेदार पुलाव बनकर तैयार है पुलाओ के साथ मैंने बहुत ही टेस्टी रायता बनाया है और सलाद कटिंग किया है आप किसी गेस्ट के आए पर इस तरीके से सर्विंग करेंगे और इस तरह का टेस्टी पुलाव बना कर उनको खिलाएंगे तो वो हमेशा याद रखेंगे क्योंकि ये बहुत मज़े का और बहुत टेस्टी बनता है तो ये लुक चेक करें इस तरह से तो ये आप घर वालों के लिए भी बना सकते हैं स्पेशली जो राइस लवर हैं उनको तो ये बहुत पसंद आने वाला है तो उम्मीद करती हूँ आपको आज की रेसिपी बहुत पसंद आई होगी तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें वीडियो को लाइक करें शेयर करें कमेंट करें और दुआओं में याद रखिएगा मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसी तरह की मज़ेदार रेसिपी के साथ अल्लाह हाफिज़